हाय फ्रेंड्स, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जो भी लास्ट इंडिपेंडेंस डे हुआ 15 अगस्त 2021 को, श्री मोदी जी ने देशवासियों के लिए काफ़ी सारे बातें की है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट मुद्दा था, आज मैं उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, वो है पेट्रोल के साथ इथोनल। अगर आपने भाषण सुना रहेगा तो उसमें मोदी जी ने कहा था कि हर साल हम 12 लाख करोड़ स्पेंड कर रहे हैं टू मीट अवर ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल नीड, यानी आपने को कम करना पड़ेगा टू रिड्यूस पोल्यूशन ऑल्सो एंड मेनी अदर थिंग्स, एंड उसके लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, मतलब हमको उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इसके ऊपर अपन डिटेल में बात करने जा रहे हैं। उसके पहले ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर भी कीजिए। और नीचे मैंने लिंक दिया है, वो लिंक को क्लिक करके वी कैन ओपन फ्री अकाउंट विथ एंजल ब्रोकिंग एंड यू कैन एन्जॉय सो मेनी बेनिफिट्स। आई हैव गिवन ऑल द बेनिफिट्स ओवर हियर, नीचे लिंक दिया है, फटाक से लिंक को क्लिक करो एंड ज़बरदस्त अकाउंट खोल के फटाफट ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी अपन समझते हैं कि अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है तो मीडिया ने क्यों नहीं उठाया इथेनॉल विथ पेट्रोल, करेक्ट ना? अभी वी आर मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगले 4-5 साल में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ जाएंगे। अभी भी है बट उसका उतना सेल जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, क्योंकि पीपल आर नॉट कंफर्टेबल। तो ये माइंडसेट चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट बाय 2025 काफ़ी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो जाएंगी। लेकिन फिर अगर अपन ने पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स किया तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को क्या होगा, वो डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि काफ़ी सारे कंपनीज उनके हज़ारों करोड़ उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्या होगा पेट्रोल गाड़ियों के साथ एंड दूसरा फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या होगा। अगर हम पेट्रोल में ये बायोफ्यूल लेके आ रहे हैं तो व्हाट विल हैपन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये दोनों पे ऊपर अपन आज छोटा सा मैं एनालिसिस आपके लेके आया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अभी ये पैनल है जो मैंने आपको दिखाया आप स्क्रीन पर, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक कंट्रोल। तो इनका कहना है कि अगर अपने को कार्बन फुटप्रिंट कम करना है तो वी नीड टू रिड्यूस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, फ्यूल मतलब अपन जो पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं उसका यूज़ कम करना पड़ेगा। अभी यूज़ कम कैसे करेंगे, यूज़ कम क्यों करना है, टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। उसके लिए तीन ऑप्शन है, ग्रीन एनर्जी जो मैंने लास्ट वीडियो में उसके ऊपर बात की थी, करेक्ट ना? ये जो अपना पेट्रोल ड्रिवन कार है उसके लिए कम करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने पास है, एंड यूज़ बायोफ्यूल्स फॉर ड्राइविंग कार। ना बायोफ्यूल का मतलब क्या है, बाई यूजिंग सम इथेनॉल पेट्रोल में अगर हम मिक्स करते हैं तो उससे थोड़ा बेनिफिट होगा। सो लाइक दिस वी देर आर थ्री ऑप्शन टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट। अभी अपने को देखना है कि इसका इकोनॉमी पे अपने इम्पैक्ट क्या होगा, करेक्ट है? क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहती है कि पेट्रोल का यूज़ मिनिमम हो ताकि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो और पोल्यूशन कम होने में मदद हो, सबका फायदा है और अपना खर्चा भी कम हो। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट इथेनॉल विथ पेट्रोल। 2021 में लगभग 8% इथेनॉल पेट्रोल में होता है, पहले वो 19 में 6% था, नाउ वी आर यूजिंग 8% एंड 2025 में टारगेट है कि अपन 20% इथेनॉल यूज़ करेंगे पेट्रोल में। एंड अगर 20% यूज़ करना है तो 1 करोड़ लीटर इथेनॉल अपने को जनरेट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन मिक्स 20% पेट्रोल में। तो ये अभी 8%, अगर ये 20 तक चला गया एंड अगर उससे अपना पर्पस सर्व हो गया तो फिर क्वेश्चन है कि फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा क्या? क्योंकि अगर गवर्नमेंट इतने सारे बायोफ्यूल्स बनाएंगे तो फिर बायोफ्यूल पर भी ऑप्शन रहेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शंस रहेंगे। ये सब सोचने की बात है और अपने को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आगे गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज बनाती है। सो अभी पहले मैं आपके कुछ डाउट्स रहेंगे, सर इथेनॉल अगर मैं यूज़ किया तो मेरे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? ये 3-4 कॉमन क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। पहला क्वेश्चन, इज इथेनॉल पेट्रोल मिक्स यूज इन एनी व्हीकल? नो, करेक्ट ना? तो ये अभी किसी व्हीकल में एज सच मतलब कम परसेंटेज पे यूज हो रहा है, देन उसके लिए नया मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा क्या? यस, अगर ये परसेंटेज बढ़ता है, क्योंकि अभी जो कंपनी जो है वो कार जो बनाती है वो डिपेंड पेट्रोल के हिसाब से वो सब कंसिडर करके बनाती है कि उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या कंफर्टेबल है। तो अगर ये इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ गया तो डेफिनेटली उनको नए मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, फिर पुराने मॉडल्स का क्या होगा ये भी सोचने की बात है, करेक्ट ना? उससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा क्या? यस, टू सम एक्सटेंट कम होगा, जितना चाहिए उतना कम नहीं होगा, बट डेफिनेटली टू सर्टेन एक्सटेंट विल हेल्प यू, ओके। एंड अगर अच्छा मेन मुद्दा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या होगा, अगर पेट्रोल को बायोफ्यूल ने रिप्लेस किया तो व्हाट विल हैपन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये आगे देखने की बात है।
क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी 3-4 साल लगेंगे और ये डेवलप होने के लिए दोनों का प्लान 2025 है। मतलब ऐसा गवर्नमेंट मानती है कि बाय 2025 इंडिया में काफ़ी सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करना स्टार्ट कर जाएंगे। राइट नाउ वी आर नॉट हैबिटेड क्योंकि आपने को पेट्रोल भर दिया तो निकल जाने की आदत है। अभी क्या हुआ, चार्जिंग कहाँ पे करेंगे, चार्जिंग स्टेशन नहीं है या फिर उतना किलोमीटर वो गाड़ी जाती नहीं, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट भी सब चीज़ें प्लान कर रही है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पे, ये भी सोचने वाली बात है। अच्छा, ये इतना सारा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो इंडिया में ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत कम हो रहा है ड्यू टू शुगर केन इंडस्ट्री, क्योंकि शुगर केन इंडस्ट्री को बहुत पानी लगता है एंड ग्राउंड वाटर लेवल बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। करेक्ट ना, बिकॉज शुगर का डिमांड बढ़ रहा है एंड इथेनॉल अगर अपने बनाना है तो शुगर केन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो अगर इथेनॉल बनाना है तो शुगर केन इज़ रिक्वायर्ड, तो अगेन पानी का लेवल क्या होगा, कम होगा, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज भी कम होंगे। तो ये सबका बैलेंस करके चलना है कि नेचुरल रिसोर्सेज भी कम नहीं होने चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट भी कम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी यूज़ करना चाहिए, बायोफ्यूल भी यूज़ होने चाहिए। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसे गवर्नमेंट करती है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो हमको सोचने की बात यह है कि ये जो गवर्नमेंट का प्लान है कि इथेनॉल का परसेंटेज पेट्रोल में ज़्यादा यूज़ करना है, ये सही डायरेक्शन में है कि नहीं, वी डोंट नो। क्योंकि अगर ये यूज़ हो गया तो अगेन इट विल अफेक्ट ग्राउंड लेवल वाटर, या कोई नया टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना चाहिए जिससे इथेनॉल ज़्यादा यूज़ भी ना हो, नया टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो, क्लाइमेटिक इशू भी ना हो, पोल्यूशन कम हो जाए, कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए, ग्राउंड लेवल वाटर भी कम हो जाए, या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट लेके आती है, ये सोचने वाली बात है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे इसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स है मैं आपको ज़रूर देता रहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बार को प्रेस कीजिए अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आता है। सो वैसे हर वीक कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आपके लिए लेके आऊँगा एंड नीचे जो लिंक दिया है उसको क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए एंड मेरे साथ ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।